सो फाइनली रॉयल इनफील्ड अपनी बुलेट 125 को बहुत ही जल्द हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च करने वाली है, जिसके बारे में दोस्तों आज के इस वीडियो पे मैं आप लोग को कंप्लीट डिटेल से जानकारी दूंगा कि इस बुलेट 125 को दोस्तों कब तक हमारे इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे लॉन्च कर दिया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा तो इसकी प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है, साथ ही साथ दोस्तों बाइक में आप लोग को क्या कुछ फीचर्स मिलेंगे, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि 125 सीसी सेगमेंट का जो सेल्स और डिमांड है ये हमारे इंडियन मार्केट पे जो है बहुत ही ज्यादा चल रहा है अभी के टाइम पे। तो इसी चीज को दोस्तों ध्यान में रखते हुए रॉयल इनफील्ड भी अपनी बुलेट को अब 125 सीसी इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च करेगी। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं आप लोग को बताऊं इस बाइक के फीचर्स के बारे में, तो फीचर्स भी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे अच्छे खासे ही देखने को मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग को बाइक पे जो है कंप्लीट हेलोजन लाइटिंग सेटअप दिया जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल मीटर कंसोल भी देखने को मिलेगा, जिसपे दोस्तों आप लोग को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और जीपीएस के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों बाइक पे आप लोग को यूएसबी चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे। और सेफ्टी वाइज दोस्तों बाइक पे आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ जो है डुअल डिस्प्ले के साथ सिंगल चैनल एबीएस भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं आप लोग को इस बाइक के इंजन के बारे में बताऊं, तो बाइक पे दोस्तों आप लोग को ऑल न्यू 125 सीसी सेगमेंट का एयर कूल्ड इंजन दिया जाएगा, जो कि दोस्तों BS6 फेज 2 इंजन होगा। तो इसका मतलब दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है OBD2 सेंसर के साथ जो है E20 कैपेबल इंजन दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों जो 20% एथेनॉल वाला फ्यूल होता है वो आप लोग इस बाइक पे यूज कर पाएंगे। पावर फिगर्स के बारे में बताऊं तो लगभग दोस्तों आप लोग को 12 BHP तक की पावर और 15 Nm तक का आप लोग को टॉर्क देखने को मिलेगा, जो कि ये जो बाइक है दोस्तों ये 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आएगी, जिससे माइलेज दोस्तों लगभग आप लोग को 40 से लेकर 50 KMPL के बीच में आप लोग को देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों यहीं पे मैं आपको बता दूं कि इस बाइक पे आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी जाएगी। बात करी जाए दोस्तों प्राइसिंग के बारे में, तो लगभग दोस्तों 1,50,000 रुपये से लेकर 1,60,000 रुपये के बीच में आप लोग को इस बाइक का जो है ऑन रोड प्राइसिंग देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों लॉन्च के बारे में बात करी जाए, तो इस बाइक को दोस्तों 2024 के मिड तक या फिर दोस्तों 2024 के एंड तक में जो है हमारे इंडियन मार्केट पे रॉयल इनफील्ड कंपनी लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों इस बाइक को लेके, नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।